हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। जौनपुर के मड़ियाहों में अविश्वास प्रस्तावित होने की डर से ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव लगातार बीडीसी सदस्यों से मुलाकात कर रही हैं। और आपको बताते चले, दूसरे नंबर पर रहे भावी प्रमुख जहिंद यादव थे, लेकिन कुछ बीडीसी सदस्य जहिंद यादव के खिलाफ मड़ियाहों कोतवाली और सिकरारा थाने में तहरीर दिए हैं। जब पत्रकारों ने इसका सच्चाई जानने की कोशिश की तो बीडीसी सदस्यों ने बयान देने से कतरा गए। इसी के बीच में दो बीडीसी सदस्य का आईडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई। तोहार सप्पा घर है, नहीं साल हमारे जान पुणे में चाहे बातचीत भाई हो चाहे जवान भाई हो के अंग कक्का हो वह जान बिंदु है उनका मतलब आदमी है। अच्छा अच्छा, तब वो आयन है उनका आज का ये दिन समय लागत परेशान करते रहे, तब उन्हें कहन है, तब हम कहे भाई जब वो जहाँ हमारे गांव देश जाए वहाँ हम जावे के रहे। मतलब खाली उन्हें डिस्टर्ब करे रहे, आप ना कर रहे ना ही हम अहू करे रहे, हम उन्हूं कहा कहन उन्हूं कहा कहन सब कहा कहन, तब वह जात गए हैं। और हमें सबके क्यों कहे सुने थोड़ा। अच्छा, तोरे घरे ना आए रहे न? घरे हमारे ना आए हैं, बजरिया में तो घेरा था है। अच्छा, बाजार में आपको घेर रहे हैं? हमारे ना आए, जैसे हमारे आदमी को ही धंधा उंधा करा था है। अच्छा, क्या करा थे? मुर्गा मछली बेचा था। मुर्गा मछली बेचे हैं कुनुओं पर? हाँ, वहीं आग डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो जो सैनिक कहा था, वो सैनिक मतलब ये छोटू घेर रहे ना, आप ना घेर रहे कराओगे? नहीं, का कह रहे हैं? अच्छा, तो पापा को हम जाके साइन कर दें? पापा ही दे रहे हैं। तोरे पापा दे रहे हैं, कहीं जा साइन करवा दे तो हम मम्मी साइन कर दे। कहीं तक पढ़े ही ना आप? हम खुद अपना पढ़े। तो बीडीसी कैसी होगी? अब कैसे होगी अब भगवान जाने कैसे होगी। अब ना गांव तो अपन जनता ही यही भले ना पढ़े यही ना गांव तो वहाँ पर रहिए गुलजारगंज जनता ही यही पूरा। तो मतलब खड़ी हो गई और हम पढ़े लिखे ना यही भाई अब तो अच्छा ना पढ़े हमारे अंगूठा लगावत थी अंगूठा कतक पता जैसे जहाँ ही होता है अंगूठा लगावत ये कुल बात रही। अरे वो भैया ना कहते, जैसे आप किसी प्रत्याशी को कोई भी प्रत्याशी हो जैसे आप किसी को ब्लेम लगाएंगे फिर बात नोट करिए, ना तो हम बाबा की तरफ है ना तो जहिंद की तरफ है, हम लोग प्रेस है, हम लोग सच्चाई आप लोग जानेंगे। तो जैसे रेखा जी वर्तमान में प्रमुख हैं, आप उनके साथ कह रही हैं, लेकिन जो साइन करने के लिए कह दिए आपके पति कहें तो आपने साइन करके उनको दे दिया, लेकिन इसमें धमकी कौन दे रहा था आपको? यही कि बार बार कहता है हमारे ऊ ले गए हैं जो कागज मिले बार ओका धरे हैं के रखे बा वो नहीं रखे हैं कलिया रहे परसों आ रहे हो जाए काला रहे तो कलिए सैनिय कर गए ना परसों काले से कह रहे लेकिन वो ना कहे बिंदु ना कहे हम मतलब जैसे गए रहे काम से वो हमें देखे ना रहे हम गए रहे बाजार हर तो वो लड़के हमारे देहे ना और चाहे अब इनके पापा से कहवाए हो चाहे वही लड़के से कहवाए हो इन तो कहा धनमा पापा कह रहे हैं। हाँ कि जा करवाए दे तो हम भाई कर कह दे है और हम वो हमें जो लिखे रहा हम तो का कुल पढ़े ना है फोटो टू ना चाहिए रहो कागज के हाँ ना ही मोबाइल ना ले रहे का फोटो कागज बा वैसे ही बा एक इनके ही बा अधिकारी आ गए हैं अगर जांच करें हाँ। कहीं एक बीडीसी है तोरे पास मोबाइल ना आई बा मोबाइल हमारे बा घर घरे रहे मोबाइल ना समस्या यही है यार मोबाइल हमारे बा जैसे लेहे ना रहे मोबाइल मतलब खाली डिस्टर्ब जही नोंगे करे रहे होंगे कहत रहे आप उंगर साथे खाली गए रहो ना जहीन साहब से कोई लेना देना नहीं है भाई उनसे क्या बातचीत हुई थी वो जाने आप उनके साथ में गई थी। अब जैसे अब हमारे गांव देश का है ना वो बी डी सी हम आऊ जहाँ उनका काम लागे वही हमारे लागे जहाँ वो जाइ वहाँ हमें जाए परे मतलब जहिंद यादव की बात उनसे हुई था आपसे नहीं हुई थी यही बात चलिए ठीक है जैसे आदमी से हमारे चाहे जीवन बात भाई हो हमसे उनसी बात ना लेकिन आप बयान देंगे नहीं ना बिना उनके हम ना दे
चला कल आ जा, कल सुबह। नहीं नहीं दरअसल का है समाचार चले लग तब हमके कहीं का मामला पहले जानकारी ले। तो आप आपका और उनका दोनों जन का वीडियो चल रहा है। वीडियो चला था वीडियो आपके कहे दिखाई दी ठीक है तब बयान देंगी आप? नहीं नहीं मैं वीडियो अगर दिखा तो बयान देंगी? नहीं हम बयान बिना उनके न दे भाई। को भैया हम तो आपको वीडियो दिखा रहे हैं लेकिन आप बयान दीजिए। सूचना भर दी है नहीं जैसे हम आपसे चलिए जाने दीजिए आप नहीं बाइट देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपसे यही जानना चाहते कुछ कहे थे क्या कोई? नहीं नहीं कुछ नहीं थे कोई कुछ नहीं कहे थे तो प्रार्थना पत्र देना क्या ऐसा मजबूरी? अरे हमारी मजबूरी हो गई तो मैंने दे दिया हमने वहाँ पर बयान दिया बार बार बयान देना। अरे महोदय जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे आपने बयान दिया आपको मान लीजिए जय हिंद यादव ने कुछ कहा? कुछ कहा तो वही बयान कुछ नहीं है कैसे बताया जाए आपसे बार बार थोड़ी बताएंगे। अरे भाई क्यों नहीं बता सकते बताइए बताने में क्या है जब आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं सब दे रहे हैं मीडियम आ गए हैं आपसे जानकारी तो ले ही सकते हैं ना। मीडियम में कहाँ आ जाए मीडिया में ही चल रहा है वो जो खबर चल रही है मीडिया में ही चल रहा है। अरे तो आप वहाँ ले आइए दिखा दें आपको चला उसका खाल सवेरे खुद ही पता चले आई बैग ना आई बैग। अरे यार भाई साहब मोबाइल में आपको दिखा दे रहा हूँ आप देख लीजिए आप मुझे पहचान रहे हैं? पहचान तो नहीं रहे हैं लेकिन गुलाब भाई का नाम लिए तो मैंने जाना गुलाब भाई कहाँ से हैं। आप थाने पे मुझे कभी नहीं देखे हैं? आजाद वीआईपी न्यूज कोई चैनल चलता है मालूम है? हम सब खाली पेपर कलाम जो आई जाए तो वे पढ़े लिए। अमर उजाला देखे हैं? हाँ अमर उजाला पढ़े। अमर उजाला के कौन है पत्रकार? अमर उजाला बिल्कुल हम दे रहे हैं। शेर बहादुर यादव जानते हैं आप? उन्हीं के साथ काम करते हैं। नहीं जैसे हम यही आपसे जानना चाहते हैं कुछ बात हुई होगी वीडियो आप मत दीजिए नहीं लेंगे वीडियो आपका लेकिन कोई तो बात होगी दाखिल? नहीं अब वही चलेगा तो वही समझ में आ जाएगा जो उसमें है वही चलेगा वीडियो। खबर चल रही है लेकिन मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ। सच्चाई कुछ भी नहीं है वैसे वैसा चला कोई सच्चाई नहीं है न उसका दबाव है कोई चीज न बस मतलब जय हिंद का कोई दबाव नहीं है। अरे बात वार्ता में उल्टा सीधा कुछ बात हुई है वैसे बस और कौन वो थनाएगा मतलब आपको धमकी उमकी दे रहे थे? धमकी दे रहे थे या नहीं दे रहे तो हो गया भाई साहब। आपसे मैं नहीं और पत्रकार आगे सवाल पूछेंगे और पत्रकार आएंगे तो हम जवाब कैसे देंगे जैसे आप बतिया रहे हैं? नहीं आप तो नहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। चला जवाब देना हाँ। पड़े सब चीज जवाब जवाब देखते ही है मैं और कौन बात नहीं जैसे और कौन बात बोलूं मैं आपसे ही आप प्रेशर डालेंगे प्रेशर हम नहीं डालेंगे आपको हम क्यों प्रेशर डालें हमको थोड़ी चुनाव लड़ना आपसे हमको आपको थोड़ी वोट चाहिए वो तो राजनीतिक दल आपको प्रेशर डालने ना डालें हमको वोट थोड़ी चाहिए आपसे। वैसे हो गया लेकिन ये जो प्रार्थना पत्र बड़ा आज ही बड़ा है ना वही वहाँ पूछ रहे थे हम थाने पर कि कोई बीडीसी कोई धमका रहा था क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं मतलब आपको धमकाए नहीं है कोई? धमकाए नहीं है बस वैसे दिक्कत था थोड़ा हमने अपनी सूचना दे दी ये थाने पे कर दी और मीडिया कहाँ से बना गई हमको पता ही नहीं चला। भाई साहब बयान चल रहा है आपके पत्नी पत्नी लगती है ना बयान दी हैं और लालती देवी भी बयान दी हैं कहाँ घर है नहरा पे और आप समझ रहे हैं कि बयान देकर आप भाग सकते नहीं भाग सकते आप पत्रकारों से और आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि सुन लीजिए मेरी बात ये बहुत बड़ा मुद्दा है अगर आप किसी उसकावे से काम कर रहे हैं किसी को उसका काम नहीं हो रहा है कौन उसकाएगा हमको? नहीं तो आप वही तो मैं जानना चाहता हूँ जबरदस्ती कौन चीज पूछ सकते हैं? नहीं जबरदस्ती हम क्यों थे आपसे? नहीं हम क्यों जबरदस्ती करे कुलबा जो देखा था बस वही कुलबा समझा कौन बयान बाहर आए भैया वही बता दीजिए हमको बयान दे दीजिए बस वही कुलबा जो कुछ बाबू।
क्या राजनीति है? राजनीति नहीं है भाई, राजनीति है भाई साहब। जब आप मीडिया के सामने बयान दिए हैं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं रहे हैं। वही चीज सब कुछ है बयान में आए, तो आप समझ लीजिए। आप क्या बयान? अच्छा बताइए, अगर मुझे वीडियो देख के संतुष्टि मिला होता तो मैं आपके पास आता? इतना नोट कर लीजिए, आता? आता क्या? नहीं आता ना। लेकिन मैं वही आपसे हकीकत जानना चाहता हूँ। हकीकत ऐसा कोई बात ना, जब आगे हकीकत आए ताकि हकीकत को आप जान जाएं। और कोनो बात हुई तो आप हकीकत जान जाएं, काहे का पत्रकार ही हैं हम, तो खाली विनती किए हैं बस। नहीं विनती किए तो कुछ तो आपको दिक्कत होगी तभी विनती करेंगे। अभी दिक्कत नहीं है इसीलिए कह रहे हैं ना, अगर आगे के लिए हमारे लिए दिक्कत होगी तो आपको सीधा जो बयान मांगे वो देंगे, हमारे ऊपर तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई दिक्कत नहीं आपको पर? उसी बयान में सब है, अगर हमारे ऊपर अब आएगा तो आपको नहीं। आपसे मैं जानना चाहता, बिंदु देवी आपकी पत्नी है जी? कहाँ की, कितने वार्ड नंबर बीडीसी है? हम 61 हैं। 61। आप क्या क्या नाम है? हमारा लल्ला नाम है। लल्ला नाम? लल्ला पूरा नाम? सरोज। लल्ला सरोज। और वो उनका घर वहाँ पे है? वहाँ पर है, वो भी सरोज। वो भी नहीं बयान देंगी? अब चाहे जैसे जैसे आए हैं उससे अपन देख लीजिए भाई, हम कैसे कहें, कैसे हम कहें। नहीं नहीं सही बात। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद। नहीं आप देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है।